ये सब मैंने किया। नो नो यू नो व्हाट आई नो इट, ये सब नंदिनी ने। नहीं नहीं, जस्ट मी, ओनली मी। रूट्स की तबीयत ठीक नहीं है। अरे तबीयत तो ठीक है बंदी। नो सीरियसली, बट तू समझ नहीं रहा मेरी बात। माय पॉइंट इज, आई मीन दिस इज ऑल नाइस, आई मीन वेरी स्वीट, बहुत मीठा है। थैंक यू। एंड यू नॉट दैट मीठा इन लाइफ। आई मीन टू से दिस इज नॉट यू। Why not? क्यों नहीं? Are you? यार मुझे अब चक्कर आ रहे हैं। I'm seriously like falling. अरे नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। Listen, नाटक बंद कर। Come on, guys. Listen, मैं कभी कुछ बोलता नहीं हूँ, कुछ express नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि I don't feel for it. Go on. मैं 5-5 का सबसे बड़ा फैन हूँ। Yes. 5-5 की friendship, 5-5 की unity, 5-5 की music. Fan. And I can do anything for you guys. Yes. You guys are world to me. So, this is just a thought that I thought of sharing with you in a special way. You know, guys, बचपन से लेके आज तक मैंने अपने फैमिली का प्यार कभी मिस नहीं, बस हमेशा से तुम लोग guys मेरे साथ थे। You guys are my family. FAFA is my real family and this is my family. इसलिए कल जो आलिया ने कहा, that hurt me. लेकिन मैंने डिसाइड किया कि आई वोंट लेट दैट हैपन। यस, आई वोंट लेट अस फॉल अपार्ट। तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल रिमाइंड यू गाइस कि हाउ इंपॉर्टेंट यू आर टू मी, टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। यस वी आर। गाइस, जानता हूं आजकल सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इट्स जस्ट अ पासिंग फेज, इट्स just a passing storm, and trust me, it will pass away. Then we'll be together. This should make us stronger. We shouldn't drift apart. ये सब मैं होने नहीं दूँगा। I will do each and everything for you guys. I will. Because you are my family. और इस फैमिली को कोई नहीं तोड़ सकता। नॉट इवन यू, इवन यू, नॉट इवन यूर। आवाज, प्लीज प्लीज, व्हाई डिड यू स्टॉप, कंटिन्यू। आर्यमन, अगर तुम्हें लगता है ये तुम्हारे रैंडम कॉम्प्लीमेंट से मैं इंप्रेस हो जाऊंगी तो योर मिस्टेक। आई नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन। एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन एम आई नंदिनी? समवन जो प्रॉमिसेस ब्रेक, जो ट्रस्ट ब्रेक, अ स्लाई लाया। माने के साथ तुमने जो भी करने की कोशिश की थी ना, आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगेट यू। ट्रिक्ड मी आर्यमन। Honestly, Nandini, तुम्हें सच में ये लगता है कि मैंने खुद deliberately अपने हैंड को हर्ट किया है, so that I can blame Manik for it? All I know is that I believe in Manik, and Manik will never lie. और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये words भी समझ आएंगे, trust, believe. Actually, you're right. तो मुझे एक बात बताओ, तुम Manik से झूठ क्यों बोल रहे हो? What am I lying? Not telling the truth is as good as lying, Nandini.
तुमने ये बात माने को क्यों नहीं बताया कि कंस्ट्रक्शन साइट के एक्सीडेंट के पीछे मैं था, और ये भी कि मैं सोहा का भाई हूँ। अगर मैं माने को जाके सब सच बता दूंगी ना तो प्रॉब्लम हो जाए। आई वोंट बी एबल टू कंट्रोल हिम। Hurt me more than this. You can just pray that Manik stays far away from me. Let's focus on this. हमें किसी भी हालत में talent hunt जीतना है। I have to do this for Navya. You know what? I really wish I had a friend like you. We can never be friends. Okay, think of it. मैं अपने सारे सीक्रेट, सारे प्लान, सारे एजेंडा, सारे फियर्स तुम्हारे साथ क्यों शेयर करता हूँ? आई फील राइट शेयरिंग इट विद यू, इवन अबाउट माई हेटरेट फॉर मानिक। डोंट यू गेट इट नंदिनी? मैं झूठ क्यों बोलूंगा इसके बारे में? आई नो माई म्यूजिक इज गुड, बट मेरे म्यूजिक में इतनी इंटेंसिटी that it's making your face turn red. Amazing. Just shut up, Harshit. This is hurting my ears. It is utter crap. What? Do you really think that this mindless, chaotic music will beat the Fab Five? Ko beat karoge? Unbelievable. This music will beat the tacky Navya and Nandini's band. Come on, Mrs. M. Aap kab se music addict ban gayi, huh? Do you have any idea about the music? Tempo? You don't. I mean, you're good at planning and plotting. So you better focus on that. And leave the music to me. I could have, Harshit. But I have realized that you're the biggest flaw in my plan. To your me, Fab Five ko ye talent hum jeetne nahi de sakte. I can't let that arrogant Manik win, not after what he's done to me. वैसे अब क्या किया इस मानिक पर होता है? That's none of your business, Harsha. And for the last time, by hook or by crook, you will have to be better than them. Relax, I'll come up with something new. So chill. I got this for you. मैं तुम्हें देने आया था। ये क्या? मुझे पता है तुम मुझे अपना फ्रेंड नहीं मानती, बट आई डू। हैप्पी फ्रेंडशिप डे नंदा। इट्स अ म्यूजिक प्लेयर, मैंने 5-5 के सब पॉपुलर गाने इसमें रिकॉर्ड करके डाल दिए। आई थॉट यू लाइक इट। टू नाइफ नंदनी, टू नाइफ हमारे, पर ठीक है, एज फार एज इट हेल्प्स मी। आई एम सॉरी, आई जस्ट कांट डू दिस एनीमोर। मैं और प्रिटेंड नहीं कर सकती। फैब फाइव, इट्स ओवर फॉर मी। तो चिल करना, तो रिलैक्स करना। आलिया ने ऐसे ही बोल दिया। मीन शी डजंट मीन ओ कबीर, आई एम सीरियस। इन फैक्ट मुझे ये बहुत पहले करना चाहिए था। ये मेरी हर प्रॉब्लम का सलूशन है। कैसी प्रॉब्लम्स? आई हैव बुलिमिया मानिक। How do you know? What the hell is bulimia? It's an eating disorder. ये इतना normal होता है कि इसे identify करना भी मुश्किल होता है। The person tends to eat a lot, I mean, because of anxiety, depression, or stress.
starts puking. अरे वो अपने हाथों से जिस तरह चॉकलेट खा रही थी, she was all messed up and tried to puke it all out. तो वो चॉकलेट्स वगैरह तो इस damn this stupid sorry यार, मुझे realize करना चाहिए. But that's not the point. Your point. I mean, Alia, you look beautiful. You're talented. You're part of Fab Five. But why? Because I was depressed, Kabir. सब कुछ होने के बाद भी I felt like I had nothing. I felt angry. I felt angry that I was alone. तुम अकेले कैसे हो सकते? हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ. हम लोग हमेशा से थे. Really, Mani? You really think you were there for me? In that case, you think you were there for any of us? Of course, Alia. ऐसे क्यों बोल रही? No, Mani. You were never there. Believe me, I have nothing against Nandini. Nothing. But जब से वो तुम्हारी लाइफ में आई है, everything's changed. The fact is, Fab Five's become secondary. We always came after Nandini. पहले ऐसा नहीं था माने. It was different. It was all about Fab Five. Our music, our friendship, हमारी personal lives हमेशा Fab Five के बाद आती थी. But you changed that. Manik, after we broke up, it was very hard. But I managed. क्योंकि मैं जानती थी कि उसमें किसी की गलती नहीं थी. We drifted. But then, Manik, you weren't there for me even as a friend. And that I hold against you. Using me? Leave me with no chance. Come on, Alia, you can't be so hard on Manik, yaar. I mean, hum sab galtiyan karte hain. Kabir, I'm just being honest. Alia, please, for God's sake, stop blaming me. What is wrong with you? Hum sabko pata hai, Manik ke liye Fab Five hamesha important raha hai. So please, you shouldn't be saying all this. Kyun, Mukti? Tumne hi to kaha tha, vent it all out. So that's just what I'm doing. Alia. Alia, please. You. You don't have any right to say anything to me. Always wanted to say this. Hamare relationship mein there were never two people. There were three. Manik hamesha hamare beech tha. And it was all because of your inferiority complex. Alia. Kyun? You scared? Tumhare best friend Manik ko pata chal jaye ki you've always compared yourself to him professionally and personally and you've always fallen short. Stupid inferiority complex ruined my life. Both of you, first as boyfriends, then even as friends. Alia, Fab Five में सिर्फ मानी को ध्रुव नहीं है, हम दोनों भी है. तो उन दोनों की वजह से Fab Five क्यों छोड़ रही है? मैं उनकी वजह से Fab Five नहीं छोड़ रही. I'm leaving for my own happiness. I'm leaving it for myself. Too much has happened and it can't be fixed. मैं अब और सफर नहीं करना चाहती. I need a fresh start. I need to find myself. Let's go, Alia. You don't have to do all this. Come. It's okay, bye. I'm sorry, guys. मैं टैलेंट हंट में परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी. आई प्रोग्राम द सॉन्ग. मुक्ति हैज द मास्टर ट्रैक. सो आई गेस यू गाइस आर कवर्ड. यू कैन गेट सम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम मी. नो वन कैन स्टैंड इन फॉर यू. प्लीज डोंट डू दिस यार. Gotta do this, Mukti. Sorry. Alia, you can't do this, yeah. I mean, just can't go like that. Goodbye.